सबको जय मसीह की। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है, इससे मुझे क्या फायदा। प्रायः हम जिस समाज में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, वो हमें इस प्रकार की बातों को सिखाता है, अपने फायदे को हर बात में देखने के लिए। ऐसा ही सौदा करें जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें लाभ हो, और यही होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप इस प्रकार देखेंगे, कहाँ इसको जमा करने से सबसे ज्यादा ब्याज का प्रतिशत मुझे मिल सकता है, और हम ऐसी एक जगह पे ही अपने पैसे को डालना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत और इस समाज का, इस संसार का सिद्धांत, इन दोनों में बहुत विरोधाभास भी देखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो समाज हमें सिखाता है, हमारा संसार हमें सिखाता है कि सब कुछ अपने लिए बटोर कर रखो, इसी से तुम्हारा बढ़त होगा, और हम सारा चीज, अपना पैसा, अपना सामान अपने पास बटोर कर रखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, नीति वचन 11:24, ऐसे हैं जो छित्रा देते हैं तो भी बढ़ती होती है, ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। हम सोचते हैं कि बचाने से, इकट्ठा करने से बढ़त होगी, लेकिन यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के राज्य को देने वाले व्यक्ति की हमेशा बढ़त होती है, घटी नहीं होती है। ये समाज के नियमों से बिल्कुल उल्टा है। दूसरा एक उदाहरण अगर हम देखें तो इस प्रकार लिखा है, अगर तुम में से कोई लीडर बनना चाहता है, अगुआ बनना चाहता है, तो वो सब लोगों को अपने अधीन कर ले और सबसे अपनी सेवा करवाए। लेकिन परमेश्वर के वचन में इसके विरोध में लिखा गया है, क्या लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार 10:43, उसमें लिखा है, वरन जो तुम में से बड़ा होना चाहता है वह सबका सेवक बने, जो कोई प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। अगुआ बनना है तो सबका दास बनना है, सेवक बनना है। सो ये सारी बातें क्या दिखाती हैं, परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत और हमारे समाज के सिद्धांत, उनमें बहुत विरोधाभास होता है। आज हम जिस बात के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो इसके बारे में है, किसको फायदा हो रहा है। परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 10:31, उसमें कुछ इस प्रकार पौलुस प्रेरित कहते हैं, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है, जो कुछ भी हम करें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करें। लेकिन बहुत बार लोगों के लिए ये करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों के जीवन में एक संघर्ष देखते हैं कि किसको एक बात से महिमा मिल रही है, किसको एक बात से फायदा हो रहा है, किसको एक बात से प्रशस्ति मिल रही है, उस अनुसार हम अपने जीवन को क्रमगत करना चाहते हैं। आज मैं आपको बाइबल के 2 ऐसे पात्रों से परिचित करवाना चाहती हूँ जिनके जीवन में एक ही स्थिति में उन्होंने 2 अलग अलग रीति में प्रतिक्रिया की, और इस प्रतिक्रिया के कारण उनका जीवन अनुग्रहित या शरापग्रस्त हुआ। ये 2 व्यक्ति कौन थे? पहला व्यक्ति ओनान और दूसरा व्यक्ति बोआस। इनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी विधवा का विवाह एक करीबी रिश्तेदार से किया जाए। उसका कारण क्या था? उस विवाह से उत्पन्न होने वाली संतान इस व्यक्ति के नाम को जिलाए रखेगी, इस व्यक्ति की मिरास को वो ग्रहण कर सकेगी, उस व्यक्ति का नाम इसराइल से, यहूदा के गोत्र से नष्ट नहीं होगा। ये परमेश्वर का नियम था जो मूसा ने दिया था। ऐसी स्थिति में पड़े 2 व्यक्तियों ने किस प्रकार प्रतिक्रिया की, हम उसके बारे में देखेंगे। पहला व्यक्ति था ओनान, उसके बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक 38 अध्याय में पढ़ते हैं। ओनान के बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और उसकी पत्नी तामार एक विधवा हो गई थी। मूसा के व्यवस्था के अनुसार ओनान के साथ विवाह किया गया। उस समय ओनान ने सोचा कि अगर मैं तामार से विवाह करता हूँ और संतान उत्पन्न होती है तो उससे मुझे क्या फायदा। ओनान को इस बात से बिल्कुल भी सहमति नहीं थी कि वो संतान अपने भाई के नाम से वो बढ़ा करे। इसलिए ओनान ने एक बहुत ही दुष्ट काम किया। सबके सामने तो वो एक अच्छा व्यक्ति बना, एक अच्छा यहूदी बना। उसने अपनी भौजाई से विवाह किया, तामार से विवाह किया, लेकिन उसके पश्चात रहस्य स्थल में उसने अपनी दुष्टता को प्रकट किया। इस विषय में हम उत्पत्ति की पुस्तक 38 अध्याय और उसके 9 वचन में पढ़ते हैं, ओनान तो जानता था कि संतान तो मेरी ना ठहरेगी,
सो ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। उसने यह निर्णय ले लिया था कि वो अपने भाई के नाम का वंश नहीं चलने देगा। और उसने जो कार्य किया वो किसी ने नहीं देखा, रहस्य के स्थान में हुआ था, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने देखा। और उसके इस कार्य के कारण, अपने भाई को संतान ना देने का निर्णय, उस कारण से परमेश्वर का श्राप उसके जीवन में आया। और वचन इस प्रकार कहता है, यह काम जो उसने किया यहोवा उससे अप्रसन्न हुए और उसने उसे मार डाला। यहोवा का श्राप उनान के जीवन में आया। बहुत बार हम हमारे जीवन में देखते हैं कि हमें एक कार्य करने से क्या लाभ, परमेश्वर के राज्य में जुड़े रहने से क्या लाभ, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने से क्या लाभ, किसी और को प्रशस्ति मिलेगी, तो हम क्यों ना उस काम को बिगाड़ दें। बहुत बार कलीसियाएं टूटने का कारण यही होता है, लोग अपनी प्रशस्ति, अपने नाम, अपनी महिमा के पीछे हो लेते हैं, ना कि परमेश्वर की। इसके विपरीत में हम एक दूसरे व्यक्ति के बारे में देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बोआज था। उस व्यक्ति को हम रूत नामक पुस्तक में पढ़ते हैं। रूत के विषय में हम जानते हैं वो एक मोआबिन विधवा थी, महलोन नाम के एक व्यक्ति की स्त्री थी, पत्नी थी। लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद वो जब बेतलहम लौटकर आती है तो वह समय आता है कि उसका विवाह हो, और उससे विवाह करने के लिए उनका जो सबसे करीबी रिश्तेदार था, जिसे हम किन्समैन रिडीमर कहते हैं, उसको छुड़ाने वाला कुटुंबी, उस व्यक्ति से जब पूछा गया क्या तुम रूत से विवाह करने के लिए तैयार हो, तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर मैं रूत से विवाह करता हूँ तो रूत की पुस्तक 4:5 में इस प्रकार लिखा है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा निज भाग बिगड़ जाएगा। वो अपने बच्चों के लिए उसे जो मिरास देनी थी वह सब बिगड़ जाएगा देखकर उसने रूत से विवाह करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और उस समय बोआज रूत को विवाह करने के लिए तैयार होता है, और जब वो विवाह करने के लिए तैयार होता है वह बेतलहम के पुरनियों को बुलाकर उनके सामने प्रतिज्ञा करता है। वो जो कहता है इस प्रकार है, रूत की पुस्तक 4:10, बोआज कहता है, महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसका स्थान फाटक में से मिट जाए। बोआज बहुत ही निस्वार्थ रीति से वो रूत को स्वीकार करता है। वो जानता था कि रूत के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान वो महलोन की संतान कहलाएगी, ना कि बोआज की। फिर भी वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार था। बोआज प्रशस्ति के पीछे नहीं था, बोआज अपने नाम के पीछे नहीं था, बल्कि वो यहोवा के नियमों को, यहोवा की व्यवस्था को पूरा करने में वो संलग्न था। और क्योंकि उसने यहोवा की व्यवस्था का मान किया, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका मान किया। अगर आप यीशु की वंशावली मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और 4:4 में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं रूत द्वारा उत्पन्न हुई पहली संतान जिसका नाम ओबेद था, उसके बारे में वंशावली में महलोन का पुत्र नहीं बल्कि बोआज के पुत्र के रूप में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने अंगीकार किया। जो परमेश्वर का मान करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्थाओं का मान करते हैं, परमेश्वर उनका भी मान करते हैं। ये हम बोआज के जीवन में देखते हैं। जहां ओनान ने श्राप कारण उसका जीवन नष्ट हुआ, वहीं पर बोआज का जीवन हमेशा हमेशा के लिए यीशु की वंशावली का एक भाग बन गया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम जो कुछ करो वो मनुष्य को दिखाने के लिए या अपने नाम की महिमा या गरिमा के लिए ना करो, बल्कि इसलिए करो कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर हम कोलोसियों की पुस्तक 3:23 को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा गया है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। इस वचन में व्यक्त रीति से कहा है, जो कुछ हम करें अपने नाम की महिमा के लिए नहीं करें, अपनी प्रशस्ति के लिए नहीं करें, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए करें, क्योंकि एक दिन आएगा जब पुस्तकें खोली जाएंगी और परमेश्वर हमारे सबके सामने प्रकट करेगा क्या कुछ हमने किया, किस उद्देश्य से किया। सब कुछ प्रकट होने वाला एक दिन है, परमेश्वर का न्याय का दिन। यही समस्या हम देखते हैं जो मूसा के समय में हुई थी। अगर हम गिनती की पुस्तक 16 पढ़ें तो उसमें हम पढ़ते हैं कोरा, अबिराम और दादान के बारे में।
वह तीनों अगुए थे, अच्छे लीडर थे, लेकिन एक समय आया कि वो मूसा से क्रोधित होने लगे। क्यों मूसा, तुम ही सबके सामने अपने आप को श्रेष्ठ बना के रखे हो, तुम ही लीडर बनते हो, तुम क्या सोचते हो कि हमसे परमेश्वर बात नहीं करते? और इस प्रकार वो मूसा का अपमान करने लगे। और यहोवा परमेश्वर ने ये बात सुन ली और परमेश्वर उस बात से इतना क्रोधित हुए। गिनती की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी ने अपना मुंह पसार कर उन्हें निगल लिया और जीते जी वो अधोलोक में पहुंच गए। इतना अधिक परमेश्वर क्रोधित हुए थे क्योंकि मूसा को उस स्थान में परमेश्वर ने रखा था और उन्होंने मूसा के विरुद्ध में बगावत कर दी थी और परमेश्वर का क्रोध उन पर और उनके परिवार वालों पर आया। बहुत बार जब हम हमारे नाम, हमारे अस्तित्व, हमारी प्रशंसा के पीछे हो जाते हैं तो जाने अनजाने में जैसे शैतान हमारे मन में ऐसे बीज को बो देता है जो परमेश्वर के राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए परमेश्वर उन बातों पर रोक लगा देते हैं। बहुत बार कलीसिया को टूटने का कारण क्या होता है कि वहां पर कार्य कर रहे अगुए लोग, उनके बीच में एक असुरक्षा आ जाती है। उनको लगता है कि मेरा अस्तित्व क्या है यहाँ, मेरा क्या है उपयोग, क्या है मेरी भूमिका, और इस कारण से वह अगुए से या वहाँ के पासवान से बगावत करने लगते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं मनुष्य की महिमा के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि एक दिन वो आएगा जब मैं तुम्हारा मान करूँगा। यही बात हम उस तोड़ो के दृष्टांत में देखते हैं। जब वो मालिक लौट कर आता है तो अपने सेवकों से कहता है, तुम धन्य हो, तुम विश्वास योग्य ठहरे, और जो छोटी बातों में तुमने विश्वास योग्यता दिखाई मैं तुम्हें बड़ी बातों का अधिकारी बनाऊंगा। इसलिए हमेशा याद करना चाहिए कि हम जो कुछ करें अपने पूरे मन से यहोवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए करें, और एक समय आएगा जब परमेश्वर खुद हमारा मान करेगा, परमेश्वर हमें उसके लिए इनाम देगा और वो हमारी महिमा करेगा। हम अपने आप अपने लिए प्रशस्ति या महिमा अर्जित करने की कोशिश ना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।